आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा चल रही है। उसके तुरंत बाद हम अपने मेहमानों के पास लौटेंगे। करके शौच के लिए जाती थी, उसको इज्जत की भी चिंता रहती थी, ये आपका भाई आपका बेटा, उसने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए ताकि मेरी माताओं बहनों को इज्जत मिले। मैं चाहता था कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति हो। आज भाई दूज का त्योहार है, मेरे देश की माताएं बहनें सुने, परंपरा से हमारे देश में एक नागरिक के अगर घर होता है तो पति के नाम पर, नागरिक के दिल में जो बात या होती पिता है के नाम पर, खेत पति के नाम पर पिता के नाम पर, दुकान पति के नाम पर पिता के नाम पर, गाड़ी लाए स्कूटर लाए तो वो भी पिता के नाम पर पति के नाम पर, और पिता पति ना हो तो बेटे के नाम पर, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। कुछ क्या महिलाओं के नाम पे होता है क्या? आपका भाई आपका बेटा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता है, और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया, भाई दूज का दिन है, मेरी माताएं बहनें पीएम आवास योजना के जो मकान देते हैं ना, वो घर मालिक की हक उस परिवार की महिला के नाम किया जाता है। अब मालकिन मेरी माताएं बहनें बनती है। राजस्थान की मेरी गरीब माताओं बहनों को राशन की चिंता से मुक्ति भी आपके भाई ने अपना कर्तव्य निभाया। याद करो कोरोना का कैसा काल था, मौत मंडरा रही थी कोविड में, हर परिवार चिंता में था कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा, यमराज बन के भटक रहा था, सब कुछ ठप पड़ा था, रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे, मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे भूखे रह लेंगे लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आप ये पीड़ा आपके बेटे ने आपके भाई ने सुनी, और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे, ये स्थिति मैं करूंगा। और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए, 80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। हम तो राजस्थान के लोग हैं, दया पुण्य में भी विश्वास करते हैं। आप मुझे अपने घर पे कोई गरीब आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है?
जरा सबके सब जवाब दो, जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए, संतोष होता है कि नहीं होता है? जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया तो 80 करोड़ लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? बस यही गलती हो जाती है, ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दिया मोदी को और मोदी जाकर के एक काम कर रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोगों के पेट में अनाज जा रहा है और उसका पुण्य के हकदार आप मेरे भाई बहन है, इसका हक आपका है। हर गरीब को अन्न मिले, आप सबको पुण्य मिले, इसलिए ये योजना दिसंबर महीने में पूरी होने वाली थी, लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने तय किया कि 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। साथियों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, उसमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो राजस्थान के बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चुनावी जनसभा चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया किस तरह महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और उनका किस तरह से सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है, उनके खाते में पैसा भी जा रहा है, और खासकर आवास योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बात की।